चरण में है। यहां 7 समंदर पार से विदेशियों का जत्था पहुंचा है। ये लोग अगले 3 दिनों तक पिंडदान करेंगे। इन विदेशियों ने कहा कि भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गया से प्रेम प्रकाश सिंह की यह रिपोर्ट। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने से लोग आकर अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। पिंडदान करने की परंपरा अब भारत के ही लोग नहीं बल्कि विदेशियों तक भी पहुँच गयी है। यही वजह है कि हर साल काफी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पिंडदान के लिए गया पहुँचते हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर 15 की संख्या में विदेशियों का एक जत्था मोक्ष की भूमि गया पहुंचा है, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और यमन के लोग शामिल हैं। At least once in a year during Pitrupaksha, you offer these oblations to your ancestors. The idea is that the ancestors might be suffering in the Yamaloka or Matsyaloka. वही विदेशियों के दल ने गया पहुंचने के बाद विष्णु पद मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। साथ ही देवघाट पर जिलाधिकारी ने सभी को गंगा जल उपहार के रूप में दिया। धर्मो रक्षित रक्षित महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, यही उद्देश्य उनको दिया गया है। उसी के अनुसार जो है ये लोग उस अपने जो है पहला जो है स्टेप यही सोचा उन लोगों ने कि हमारे यदि पितरों का जो उद्धार हो जाएगा तो बाकी बाद में सबका उद्धार हो जाएगा। गया पहुंचकर विदेशी तीर्थ यात्रियों को काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कैमरे पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। दूरदर्शन समाचार के लिए गया से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। बिहार